बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के निर्देशानुसार राजद भोजपुर का शिष्टमंडल जिलाध्यक्ष बिरबल यादव के नेतृत्व में बड़हरा प्रखंड के बभनगावा में पश्चिमी गुंडी पंचायत की मुखिया अमरावती देवी के परिजनों से मिलकर उनके पति मुन्ना यादव की हत्या की घटना की जानकारी ली। राजद शिष्टमंडल ने बिंदुवार घटना की जानकारी पीड़ित परिजनों से ली। मुखिया अमरावती देवी के पुत्र ने बताया कि चुनावी रंजिश के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। पूर्व में उनकी माता पर भी जानलेवा हमला किया गया था। शिष्टमंडल में शामिल जगदीशपुर विधायक रामेश्वर सिंह उर्फ लोहिया जी ने कहा कि यह एक जघन्य अपराध है। ऐसी घटना से मानवता शर्मसार हुई है। कोई भी जनप्रतिनिधि जनता की सेवा के लिए चुनकर आता है, आपसी उद्देश्य में हत्या जैसा अपराध को अंजाम दे देना कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया कि राजद सदैव उनके साथ खड़ी है। उन्होंने भोजपुर जिला प्रशासन से कहा कि स्पीडी ट्रायल के जरिए इस कुकृत्य में शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए, साथ ही परिवार की सुरक्षा हेतु सरकारी अंगरक्षक और आर्म्स का लाइसेंस निर्गत किया जाए। वहीं राजद के जिलाध्यक्ष बिरबल यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार सबकी सुरक्षा के प्रति सजग है। यह सरकार सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। दोषियों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट की। शिष्टमंडल में जगदीशपुर विधायक रामेश्वर सिंह उर्फ लोहिया जी, भोजपुर जिला परिषद अध्यक्ष आशा पासवान, प्रमुख मुकेश सिंह यादव, जीप सदस्य धनंजय यादव, जितेंद्र प्रताप सिंह, छात्र राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक रंजन, सरपंच सीताराम सिंह, पूर्व मुखिया बुटेश्वर यादव, विजय सिंह, बड़हरा प्रखंड अध्यक्ष प्रभु राय, पंचायत अध्यक्ष धनजीत यादव, विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष अमित ठाकुर, बद्री नारायण यादव, नीरज यादव आदि शामिल रहे। आज राष्ट्रीय जनता दल भोजपुर का शिष्टमंडल भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड के पश्चिमी गुंडी पंचायत के मुखिया पति मुन्ना यादव के विगत दिनों हत्या अपराधियों द्वारा किया गया था, उसमें शिष्टमंडल ने उस पीड़ित परिवार से मिलकर के बिंदुवार सारे हत्या में जो भी षड्यंत्र रचा गया है उस पर बिंदुवार वार्ता करके और अस्वस्थ करने का काम किया। उस पीड़ित परिवार को जो भी हमारे जिला के कप्तान साहब हैं और जिला अधिकारी महोदय से ये शिष्टमंडल मांग करता है कि उन परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए और अपराधियों को प्रशासन अरेस्टिंग किया है और अपराधी फरार चल रहे हैं उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। इश्तेहार उनकी दीवार पर चिपका दिया गया है। एक सप्ताह के अंदर सारे प्रक्रिया को कंप्लीट करते हुए उनको जेल की सलाखों में बंद किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा ऐसे अपराधियों के दिया जाए और पूरे भोजपुर जिले के जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको सुरक्षित रहने के लिए ये आज की महागठबंधन की सरकार निश्चित रूप से आश्वस्त कराती है कि आप लोग सुरक्षित रहें, संगठित रहें, अपराधी पर सभी लोग मिलजुल कर नकेल कसे ताकि एक बेहतर भोजपुर और बेहतर बिहार बन सके। ये महागठबंधन के नेता और हमारे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का संदेश है। उस संदेश के मुताबिक हम लोग जिला राष्ट्रीय जनता दल के शिष्टमंडल आज बभनगावा गांव पहुंचे थे और सारे बिंदुवार स्थिति को जायजा लेते हुए हम लोग जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक महोदय से कल मिलने का समय ले लिए हैं और मिलकर के माननीय विधायक जगदीशपुर ने भी उस पीड़ित परिवार को सुरक्षा गार्ड और आर्म्स का लाइसेंस निश्चित रूप से देने का जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक से आग्रह किए हैं कि उस परिवार को सुरक्षा दिया जाए ताकि जनता की सेवा कर सके और कोई प्रतिनिधि भयभीत न हो। मैं बिरबल यादव, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल भोजपुर। आपने सुना होगा बिल्कुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कूट कूट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी, ईटीसी बच्चों को सिखाया जाता है।
जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौवा।